बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सात आसमान और सात जमीनों से भारी अमल। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें वसीयत बताता हूँ, मैं तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूँ और दो बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक पलड़े में रखे जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर सातों जमीन और सातों आसमान एक मजबूत दायरा बन जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्हें तोड़ देगा। मैं तुम्हें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही का हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये हर मखलूक की दुआ है और इसी के जरिए मखलूक को रिज्क दिया जाता है। मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूँ। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क तो हमें मालूम है, ये तकब्बुर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना